तुम्हें विश्व ज्योति में हे प्राण भरता, तुम्हें काल के काल हो चक्रधारी, स्वीकारो स्वयं बंधना अब हमारे। मेरे लायक कोई और सेवा जी नहीं, शुक्रिया। तो कितने पैसे हुए इसके? 2 रुपए 4 आने। 2 रुपए 4 आने जी। लेकिन आपके सामने वाले स्टोर में लाल चंद ने 2 रुपए 12 आने कीमत बताई है। हाँ, अपना अपना कारोबार करने का ढंग है। भगवान दो वक्त ईमानदारी की रोटी दे दे, यही मेरे लिए बहुत है। भाई हम लोग कुछ भी कहें, बाकी सब लोग तो उसे भगवान का भक्त कहते हैं। भगवान का भगत नहीं, बगला भगत कहो। वो मार्केट से हमारी धाक उखाड़ कर अपनी धाक जमाना चाहता है और ग्राहक को फांसने के लिए माल भी औने पौने बेच देता है। मैं इसी चीज से डरता हूँ। अमर तमंचा लेके जाओ और दुश्मन पे उस वक्त तक गोलियां बरसाते रहो जब तक वो दुनिया से रिश्ता न तोड़ ले। क्या समझे? रहमत मियां, ये भी सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? हाँ सोचा है। अमा फूलों का हार तो गले में वैसे भी पड़ने से रहा, एक घूम घुमा के वही फांसी का फंदा है। वैसे जान इत्मीनान से निकल जावे, इसके लिए अल्लाह मियां से हम भी दुआ करेंगे। अमा आकर को पार्टनर जो ठहरे।
रहमत मियाँ पार्टनर हो इसीलिए साथ फांसी पे चढ़ना होगा। ये भी है। आप लोग तो आपस में झगड़ने लगे, आखिर ये बतलाइए किया क्या जाए। वो मैंने सब सोच लिया, आप देखते चलिए मैं क्या करता हूँ। मेरे भी आप ही की तरह बाल बच्चे हैं। पिताजी पिताजी, क्या है, क्यों चिल्ला रहे? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो जा, मना किसने किया? चमाने दीजिए ना। उस दिन मार खाकर आया था इस बात की? अबे उसे मार कर आ, रुपया दूंगा रुपया। अच्छा पिताजी, उसे जरूर बदला लूंगा। बदला लेगा तो ले बेटे, ये ले रुपया, और जब बदला ले लेगा तो एक रुपया और दूंगा। अच्छा पिताजी। क्या? गुड इवनिंग डैडी। विजय, देर क्यों कर दिया बेटा? ये चोट कैसे लगी? सच बोलने का इनाम मिला पिताजी। क्या कह रहे हो? सच कहता हूँ पिताजी, किशोर वगैरह क्लास में नकल कर रहे थे। हाँ। और टीचर ने मुझसे पूछा। हाँ। मुझे सच सच बताना पड़ा। हाँ, ठीक है। बस छुट्टी होने के बाद लड़ाई। हाँ। और लड़ाई के बाद ये मार। धीरे धीरे पिताजी, तकलीफ हो रही है। सच्चाई की कीमत तो देनी ही पड़ती है बेटे। लेकिन ये कीमत बहुत भारी पड़ी है, दर्द बहुत जोरों से हो रहा है। भगवान करे ये दर्द बढ़कर तेरे दिल में दुनिया के लिए दर्द बन जाए। सबकी खुशी तेरी खुशी हो, सबका गम तेरा गम हो। मैं सब समझता हूँ मोहनलाल, हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और। अच्छी तालीम दी है अपने लड़के को। क्या बात है, आओ आओ लालजी। भैया मुझे भैया भैया मत कहो, मुंह में राम बगल में छुरी। जरा देखो अपने लाडले की करतूतें क्या हालत की है मेरे बच्चे की। भैया लालजी, बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, ये तो भगवान के स्वरूप है। आज लड़ेंगे कल फिर मिल जाएंगे। अरे बारे धर्मात्मा, अपने बच्चे को उपदेश देने की जगह मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया। पहला मौका है इसलिए खून का घूंट पी लेता हूँ, आइंदा ऐसी हरकत हुई तो इसके हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। शांत हो जाइए, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ समझे? चल बे, चल। अच्छे पड़ोसी मिले हैं, खाना पीना रहना सब हराम कर दिया। पिताजी दर्द हो रहा है। चुप रह नालायक के बच्चे, हजारों रुपए पर पानी फेर दिया, असली घी खिला खिला कर इसीलिए हाथी बनाया था कि चूहे से मार खा जाए। चल। अब खतरे की कोई बात नहीं। मैं मौत से नहीं डरता कैलाश। मोहन, मैं तुम्हें सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से भी कह रहा हूँ, तुम्हें तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए। अब की बार तुमको 3 हफ्ते मुकम्मल आराम की जरूरत है। डैडी। आओ विजय, आओ बेटा। डॉक्टर चाचा, डैडी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। कुछ नहीं पगले, तबीयत जरा सी खराब हो गई। बेटा विजय, तुम अपने डैडी के आराम का ख्याल रखना और डिस्पेंसरी में आके दवा ले जाना। जी, अच्छा मोहन, मैं चलता हूँ। डैडी, अब तबीयत कैसी है? अरे तेरा मुंह क्यों लटक गया बेटा, अच्छा तो हूँ। अरे हाँ, सुबह से चिड़िया भूखी है, उन्हें दाना डाल दो। जाओ बेटा। क्या हुआ? जी कुछ नहीं। अरे हाथ दिखाओ। अरे तुझे किसने मारा, ये निशान कैसे है? सच्चाई की निशानी है पिताजी। तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? स्कूल में इंस्पेक्टर साहब आने वाले थे, मैंने कुर्सी ला कर रखी और किशोर ने उसकी जगह झूठी कुर्सी रख दी। वो आकर बैठे और गिर पड़े। किशोर और उसके दोस्तों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया पिताजी, उसके बाद वही हुआ जो होने वाला था। आज तुम मार खाते हो बेटा, लेकिन कल यही सच तुम्हें सुख देगा। दुनिया एक दिन जरूर तुम्हारे सामने अपना सर झुकाएगी। अरे दुनिया मेरे सामने सर झुकाए इसकी मुझे कोई तमन्ना नहीं, बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। चाचा जी, पिताजी आपको नहीं मुझे कह रहे हैं। एक ही बात है, एक ही बात। पिताजी मैं कपड़े बदल कर आता हूं। मूली बैगन लेने गया था, वहाँ पता लगा कि आपकी तबीयत खराब है, दौड़ा दौड़ा चला आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी मैं कुंजड़न के पास पैसे लेना भी भूल गया। हाँ, अब आपकी तबीयत कैसी? अजी चल चलाओ का समय है, जिंदगी के बचे हुए चंद दिन काट रहा हूँ। अच्छा, फिर आज्ञा दीजिए। और हाँ, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो मुझे जरूर बुलवा भेजिएगा, भूलिएगा नहीं, आपको मेरी कसम। नमस्ते।
अच्छा पिताजी, मैं आपके लिए दूध और दवाई लेकर आता हूँ। मौसम खराब है बेटा, जल्दी आना। आप चिंता मत कीजिए, मैं यूं आऊंगा। बंद है, मकान का दरवाजा खटखटा। जी हुजूर। विजय आया बेटा। मोहनलाल जी, आपकी शराफत और बुजुर्गी को देखते हुए कहते हुए शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, कानून के हाथों मजबूर। क्या कानून को मुझसे कुछ शिकायत है इंस्पेक्टर साहब? मोहनलाल जी, कुछ लोगों ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। कि आप मुझे बताइए कि लोगों को मुझसे क्या शिकायत है? मैं किसी किस्म की रियायत नहीं चाहता। कानून की नजरों में सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बाप हो या बेटा। रिपोर्ट मिली है कि आप अफीम और कोकीन का धंधा करते हैं। अफीम और कोकीन का धंधा? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जी मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये बात अब कानून के हाथों पहुंच चुकी है। सांस को आंस नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घर और दुकान की तलाशी ले सकते हैं। आइए 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 आइए। कॉन्स्टेबल तलाशी। मोहनलाल जी आप बैठ जाए। मैं मजबूर हूं मोहनलाल जी, सबूत कुछ और बता रहा है, मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जिसे लोग आंखों पर बिठाते वो आज इस बाजार से मुजरिम बनकर गुजरेगा। भगवान ये किस करने की सजा है? क्यों रो रो कर जान दे रहा है पगले? चाचा बेटा, चाचा बेटा, सबर से काम लो,
आंसू पोस्टर, दुख और मुसीबत हर इंसान पर आते हैं। मुझे बापू याद आते हैं चाचा, उनके बिना मैं कैसे जी सकूंगा। सबके माँ बाप हमेशा नहीं रहते बेटा, तुम्हारे रोने से वो दुखी होंगे। अगर तुम खुश रहोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बड़े आदमी बनोगे, तो उनकी आत्मा भी खुश होगी। मेरे न रोने से पापू खुश होंगे चाचा? हाँ बेटा, बहुत खुश, बहुत खुश। चलो विजय, आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ बेटा। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जाऊँ चाचा? यहाँ रहकर मुझे ऐसे लगता जैसे पिताजी मेरे साथ है। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह कर सकूंगा। तुम चलोगे ना विजय? अगर तुम अपने डॉक्टर चाचा से प्यार करते हो तो जरूर चलोगे। बोलो विजय, बोलो विजय। चाचा, चाचा, मेरे अच्छे चाचा। विजय, चाचा। अब बेटा विजय, विजय आया डॉक्टर चाचा। गुड मॉर्निंग सर। इतना बड़ा हो गया लेकिन हरकतें बच्चों की सी करता है। बड़ा? मैं बड़ा हो गया चाचा? क्या कहते हो? मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, इतनी लंबी सफेद दाढ़ी होगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, यूं गर्दन हिला के तुम्हारी तरह कहूंगा कि विजय बेटा मेरा चश्मा तो ला दो। शरीर कहीं का, अब बातें बनाना कोई तुझसे सीखे। लेकिन चाचा जी, बीएससी में बातें नहीं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाना सिखाते हैं। ये बात है, तुम तो दौड़ के जा और पूरे 5-6 रसगुल्ले लेकर आ। रसगुल्ले? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के साथ रसगुल्लों का क्या काम? तो पहले मुंह मीठा करा फिर बताऊंगा। इतनी बड़ी कौन सी खुशी आ गई है? मंगनी कर रहा हूँ। किसकी? क्या तू ये सोच रहा है कि मैं अपनी मंगनी कर रहा हूँ? ये 20वीं सदी है चाचा, कौन जाने कब किसके कदम डगमगा जाए। आप तो जानते आजकल के 100-100 बरस के बुड्ढों को भी सिरा बांधने का शौक हो जाता है। खंडर में दिवाली के चिराग नहीं जला करते बेटा, रोशनी तो नए घर में अच्छी लगती है, इसीलिए मैं तेरी मंगनी कर रहा हूँ। अब क्यों शर्माने लगे श्रीमान विजय कुमार बीएससी? विजय कुमार बीएससी? हाँ हाँ, मिस्टर विजय कुमार बीएससी। ये रहा तेरे दोस्त का टेलीग्राम। आज मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर चाचा, बरसों से जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया। डॉक्टर चाचा, मैं आपको बहुत एहसान मंद। पगला कहीं का, मैंने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज समझ कर किया है। अपने बच्चे पर कोई एहसान करता है? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, पिताजी याद आ गए। विजय यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम्हें बंबई जाने की तैयारी करनी है। मैंने तुम्हारे बारे में जो सेठ चंपालाल को लिखा था ना, उसका जवाब आ गया है। जी, लेकिन वो मुझे पहचानेंगे कैसे? मैं तुम्हें दूसरा खत दे दूंगा, वो उसे देखते ही पहचान जाएंगे। जाने की तैयारी करो।
रुत अलबेली मस्त समा साथ हसी हर बात जमा हवा का आंचल बड़ा है चंचल धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम अरे रुतवल बेली मस्त समा सास हसी हर बात जमा हवा का चल बड़ा है चंचल धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम चलते पानियों में सुन गुनगुनाते साहिलों की धुन रुत हसीन है हम जवान है तोबा नाजनी जो कोई हंस पड़ी मोतियों की खुल गई लड़ी लाजवाब है क्या शबाब है तोबा रेशमी नजर पड़ गई जिधर खिल गई दुनिया अरे रुतवल बेली मस्त समा साथ हसी हर बात जमा हवा का चल बड़ा है चंचल धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम महल न देखे कहीं आसमां को चूमे जमीं क्या ख्याल है बेमिसाल है तोबा आरजू लिए निकाह में मंजिलें बुलाए रहा हमें इंतजार में बेकरार है तोबा ख्वाब तो नहीं ये जमीं कहीं खूब है दुनिया अरे रुतवल बेली मस्त समा साथ हसी हर बात जमा हवा का चल बड़ा है चंचल धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम अरे रुतवल बेली मस्त समा साथ हसी हर बात जमा हवा का चल बड़ा है चंचल धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम की लड़कियों से तौबा। ए मिस्टर, आप हैं कौन और अंदर कैसे चले आए पैरों से चलकर आया हूं तो फिर उल्टे पैर वापस चले जाइए यहाँ किसी को चिड़िया पालने का शौक नहीं मुंह उठा अंदर चले आते चलो जाओ जाओ वो तो मालिन हुक्म चलाती हूँ मालकन जैसे मालिन नहीं नहीं आप तो इस घर की मालकन है जाओ अंदर जाकर कहो विजय कुमार बीएससी आए क्या काम है सब कुछ यही कह दूं या अंदर कुछ कहने के लिए रखो वैसे मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ रहने रहने सेठ चंपालाल के साथ आखिर बात क्या है अजय भगवान बचाए उनसे बड़े तेज दिमाग के आदमी है जरा सी बात हुई और थप्पड़ उठा के मारा दो घंटे पहले एक आदमी स्ट्रेचर पर लग के गया है स्ट्रेचर पे हाँ लेकिन डॉक्टर चाचा ने तो मुझे कुछ भी उनके बारे में ऐसा नहीं कहा अरे तुम्हारे डॉक्टर चाचा भूल गए होंगे और हाँ उनकी लड़की उनकी लड़की उनको क्या तकलीफ है अजय तकलीफ नहीं मुसीबत है ना कंजूस है कि नौकर भी नहीं रखता सारा काम उसे बिचारी से करवाता है बाकी बची मैं मुझे भी रोटी गिन के देता है मैं सोचती हूँ तुम्हारे खाने का क्या होगा ऐसी हालत में भूख भी लगती है क्या अजी भूख क्या लगती है पेट भरना पड़ता है बुरे फंसे लेकिन अब मिले बगैर तो वापस भी नहीं जा सकता ना तुम अंदर जाकर कह क्यों नहीं देते ना बाबा ना मैं अंदर जाने की नहीं वो सामने दरवाजा तुम खुद ही चले जाओ चाचा
तुम्हें अंदर रख दिया आपकी मालन ने। मालन ने जी आपके नाम ये खत लाया हूं। अरे तुम विजय हो मोहनलाल जी की बेटे जी। आओ आओ आओ, आओ। डॉक्टर कैसे हैं? अच्छे जी। बैठ बैठ। साहब के लिए चाय ले जा रही हूँ। तुम मेरे साथ आओ। तुम इतने से थे जब देखा था। आपने मुझे देखा था? हाँ, मैं भी उसी शहर का रहने वाला हूँ। कारोबार के सिलसिले में बंबई आया और यहीं का होकर रह गया। खैर ये बताओ, आने से पहले कोई खत या टेलीग्राम क्यों नहीं भेजा? स्टेशन पर गाड़ी भेज देता जी। उसका तो मौका ही नहीं मिला। इधर रिजल्ट आउट हुआ, उधर चाचा जी ने मुझे शहर से आउट कर दिया। आदमी बहुत दिलचस्प मालूम होता है। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं? जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। घूमता घामता तरह तरह के तजुर्बे करता बड़े आराम से पहुंचा। और मैं नमस्ते जी। नमस्ते। नहीं नहीं मैं उठा। अरे बेटी ये क्या कर रहे हो? अरे आपकी तबीयत खराब थी, आप क्यों चले गए? चलिए मुझे बुला लेती, मैं किस दिन के लिए हूँ। नहीं आप बैठिए, बैठिए ना जी। बहुत शर्मीली अब मैं समझा। बैठो बैठो बैठो। अरे वो मेरी बेटी नहीं, वो तो नौकरानी है। ठीक, ये है मेरी बेटी गीता। गीता ये है विजय, जिन्हें तुमने आते ही धोखा दे दिया। आज से हमारे साथ रहेंगे। How do you do? अच्छा केशव जी साहब इधर आओ। विजय तुम्हारा सामान कहाँ? जी बाहर रखा है। केशव ऐसा करो, साहब का सामान लेकर साहब को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और देखो साहब को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। जाओ विजय आराम करो, शाम को मुलाकात होगी। How do you do? नमस्ते। देखो गीता, लालचंद मेरा ऑफिस में इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ, तुम तैयार हो क्या जाना? नमस्ते नमस्ते। अजी साहब आपका इंतजार करते करते तो आंखें तपका। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। कहिए तस्वीर पसंद आई आपको? क्या बात है, दाद देता हूँ आपकी पसंद। तस्वीर कहिए कैसे तकलीफ की? कोई नई स्कीम लेकर आए क्या? ऐसी चीज लेकर आया हूँ कि तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। भगवान ने चाहा तो कल्याण ही कल्याण है। डैडी आओ। गीता आओ, आओ। किसका कल्याण करें चाचा जी? बेटा अभी तो अपना ही कल्याण कर रहा हूँ, बाद में तुम्हारा कल्याण भी करूंगा। हाँ बेटा, लालचंद जी एक स्कीम पे बातें कर रहे हैं। हाँ फरमाइए। चंपा लाल जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं बचपन से दवाइयां बेचता हूँ, पर आप शायद ये नहीं जानते ये दवाइयाँ बेचने से दवाइयाँ बनाने में ज्यादा फायदा है। इसीलिए मैं दवाइयाँ बनाने का एक कारखाना खोल देना चाहता हूँ। वैसे भी अपने मुल्क की आबादी कम है और मरीज ज्यादा है। बात बहुत दिलचस्प कर रहे हैं चाचा जी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर सोच क्या रहे, मिलाइए हाथ और बन जाइए मेरे पार्टनर। मैं और आपका पार्टनर? हाँ हाँ, इसमें हर्ज क्या है भाई? मैं तो बांट कर खाना चाहता, बजाय इसके कि फायदा किसी गैर के घर में जाए। अगर आप ही को फायदा हो तो मेरा क्या नुकसान है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। आप ये मेरे प्रोस्पेक्टस पढ़िए और सोच समझ कर फैसला कीजिए, मुझे कोई घबराहट नहीं। चाचा जी आप तो अपने ही कल्याण करते जा रहे हैं,
कुछ हमारे कल्याण की बात कीजिए। बेटा तुम हंसोगी तो, ये तुम्हारा चाचा कितना मतलबी है, लेकिन तुम्हारे कल्याण की बात भी मेरे ही कल्याण की बात है। कहो कहो क्या बात है। देखिए चंपाला जी, हम आपकी बराबरी के तो नहीं, लेकिन कम से कम शरीफ आदमी है, ये तो आप मानते हैं। इसमें क्या शक है? आप मेरे लड़के किशोर को तो जानते ही हैं। हाँ, खूब अच्छी तरह। और वो कितना होनहार है ये भी आप जानते हैं। फिर क्यों ना इन दोनों को जीवन साथी बना दिया जाए, ताकि मरने से पहले हम भी पोते पोती का मुंह देख लें। तुमने मुझे आज पहली बार एहसास दिलाया कि गीता बड़ी हो गई। मैं तो इसे आज तक बच्ची समझता रहा। चंपा लाल जी, औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन माँ बाप की नजर में हमेशा बच्चा ही रहती। पर इससे कुदरत के कानून तो नहीं बदले जा सकते। हर ऋतु के संग पौधा और हर दिन के साथ लड़की बड़ी होती। तुम ठीक कहते हो। तो फिर मिलाइए, बात पक्की रही। चाचा जी, दो सास को एक सुर में मिलाने के लिए भी टाइम लगता है। ये भी ठीक कहती है। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, कल किशोर को यहाँ भेज देता हूँ, काम भी सीखेगा और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। हाँ ये ठीक है, भेज देना। तो फिर इजाजत दी। कुछ दिनों बंबई की जिंदगी तो तुम्हें अजीब अजीब से लगेगी। जी हाँ, इसका कुछ कुछ तजुर्बा तो हो चुका है, और जो बाकी बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए तो इतनी दूर से चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। गुड गुड। देखो विजय, मेरी यहाँ एक एडवर्टाइजिंग फर्म है, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम उसके लिए ठीक रहोगे। जैसा आप मुनासिब समझे। तो ऐसा करो, कल वहां जाकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव से मिलना। दो चम्मच शक्कर जी, दो चम्मच। जी, मुझे उम्मीद हो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी जी। भाई मेहरबानी मेरी नहीं, मेहरबानी उनकी होनी चाहिए। मैं उनके काम में बिल्कुल दखल नहीं देता, वो जो ठीक समझते हैं करते हैं। अगर तुमने उन्हें इम्प्रेस किया तो तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आपकी काबिलियत की तारीफ करनी गोया चिराग को, आपकी काबिलियत की तारीफ करनी गोया सूरत को चिराग दिखाने वाली बात है जी। बड़े समझदार हैं आप, सूरत देखते ही पहचान लिया कि मैं ऑफिसर बनने वाला हूं। माफ कीजिए, मैं तो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। करेक्ट। विजय, किशोर। अरे किशोर, तुम यहां कैसे आए भाई? जहाँ तुम अफसर बनने वाले हो वहाँ एक छोटी सी नौकरी की तलाश। अच्छा। ये साहब को बुलाया। लेकिन पहले तो मैं आया था यहाँ पे। अफसर लोगों का इंटरव्यू बाद में होता है शायद। अच्छा, बट जाओ। ऑफिसर? मैं ऑफिसर हूँ। यस, आई एम ऑफिसर। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर कुछ नहीं करना तो यहां मत करो। आज मैं अपनी जिंदगी के नए दौर में पहला कदम रख रहा हूं। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि आप जैसे काबिल आदमी के साथ रहकर मैं भी काबिल बन जाऊंगा। इतने बड़े पोस्ट को संभालने वाले की तारीफ करना जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। अगर आप बुजुर्गों की मेहरबानी हुई तो किसी दिन मैं भी कुछ ना कुछ हो जाऊंगा। आप सुन रहे बात?
काम ज्यादा? देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, भरोसा कीजिए मैं मेहनत करके दिन रात एक कर दूंगा। बरसों काम महीनों में, महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में, और घंटों का काम मिनटों में। आप यहां, मेरा मतलब है इस ऑफिस में आप सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव? क्यों, मैं नहीं हो सकती? उधर मालिन, वहां मालकिन, यहां ऑफिसर, कुछ समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता? चश्मा उतारो। जी चश्मा उतारो और बैठ जाओ। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं तो समझता था यहाँ कोई बुजुर्ग ऑफिसर होंगे, खामखा तमाम रात की मेहनत बेकार गई। महिलाओं को समझाना तो चुटकियों का काम है। कभी कभी महिलाओं को समझने और समझाने में जिंदगी बीत जाती है। जब ऐसा भी होता है, वैसे मेरी छोटी सी नौकरी का क्या हुआ? आज से आपको प्रोमोशन पर रख लिया जाता है। आप चलकर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे जी। और देखिए मिस्टर किशोर बाहर बैठे, उनको अंदर भेज दीजिए। जी। एडवर्टाइजमेंट से क्या फायदा है, पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगी। जिस तरह खूबसूरत खिलौने को देखकर बच्चा बाहें फैलाकर उसकी तरफ दौड़ता है, इसी तरह किसी चीज के एडवर्टाइजमेंट से खरीदार उसकी तरफ भाग कर आते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में चीज की खूबी को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। अगर चीज में खूबी ना हो तो खामखा झूठ बोला जाए? एडवर्टाइजमेंट क्या आम जिंदगी में भी बगैर से काम नहीं चलता? होता होगा, मैं इसे नहीं मानता। एक मिनट, जरा इधर गौर कीजिए। फरमाइए। करेक्ट। तो बोलिए, ये लड़कियां न्यू टाइप के ड्रेसेस क्यों पहनती हैं? आंखों में काजल क्यों लगाती हैं? ये लिपस्टिक, ये पाउडर आखिर क्यों इस्तेमाल करती हैं? ठीक है, यही बात तो मैं बॉस से पूछना चाहता हूँ। करेक्ट। मैं बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं करती, अगर यही हालत रही तो सारी जिंदगी तरक्की नहीं कर सकूंगी। जी। और सुनो, कल आप लोग अपनी पसंद की किसी भी एक चीज का लेआउट बनाकर लाइए। अब आप लोग जा सकते हैं। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो तुम? ये साहब ज्यादा बड़ा खुश नजर आ रहे हो, कहीं शादी वादी की बात पक्की कराए हो क्या? बेटे जरा देख के चला करो, कहीं ठोकर न लग जाए। करेक्ट अंकल, लेकिन रास्ता तो बिल्कुल साफ है। आज तो मजा आ गया, और अगर आप सुनेंगे ना तो आप भी खुश हो जाएंगे। अब भला क्या हुआ? अजी ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। इधर मैंने ऑफिस में कदम रखा, उधर सबने मेरे कदमों पर सर रख दिया, मेरी काबिलियत का लोहा सबों ने मान लिया। शाबाश बेटे, अमा आखिर भतीजे किसके हो? तुम्हारे वालिदे बुजुर्गवार ने तुम्हारी तालीम पे नकद 20,000 रुपए खर्चा है, लो बताओ। अंकल लेकिन मेरे साथ विजय भी काम कर रहा है। कौन? नहीं विजय, अब वो मरहूम मोहनलाल का लड़का। करेक्ट। वो कब आया भाई? थोड़े दिन हुए अंकल। लेकिन अंकल ये एडवर्टाइजिंग का काम उसके बस का रोग नहीं है। आज पहले ही दिन मिस गीता ने इस बुरी तरह से उसे डांटा, कहने लगी कि तुम बिल्कुल नालायक हो। नालायक? बूढ़े चचा को नालायक कह रहा है? अच्छा होता तेरे पैदा होने से पहले ही ये मर जाते। करेक्ट। करेक्ट। अमा तुम चुप रहो लाला यार, बगैर समझे बूझे हर बात में टांग अड़ा देते हो। अमा कमाल, मुझे क्या पता था आपको गालियां खाने का इतना शौक है, वरना जितनी चाहो उतनी गालियां दे सकता हूँ। करेक्ट। अमा वो गाली मुझे नहीं, मोहनलाल के बेटे विजय को दे रहा है। हाँ तो ऐसा कहो यार। हाँ। मोहनलाल? कौन मोहनलाल? वल्ला वल्ला, जिगरी दोस्तों को बड़ी जल्दी भूल जाते हो लाला है। अमा वही मोहनलाल जिनकी मौत पर तुम जार जार रोए थे। वो मैं, वो तो मैं तुम्हारी मौत पे भी जार जार रोऊंगा। हाँ मुझे पता है, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस कंपट को और किसी शहर में काम नहीं मिला जो यहाँ तबका। पिताजी वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि वो मेरे साथ काम कर रहा है और सेठ चंपालाल के ठहरा हुआ। सेठ चंपालाल के ठहरा हुआ? करेक्ट। वो यहाँ आया कैसे? वो डॉक्टर क्या मर गया? अमा तुम तो फिर वकीलों वाली जिरह करने लगे। लाला बात सुनो,
लगे हाथ शतरंज की बाजी हो जाएगा। यार गोली मारो शतरंज को, इस वक्त मेरे दिमाग में अपनी शतरंज चल रही है, शतरंज की बाजी हो जाए। नमस्ते जी। विजय। अरे आओ बैठो बैठो बैठो। कहो आज का दिन कैसा रहा? जी जैसा आप चाहते थे। तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव से इंटरव्यू काफी दिलचस्प रहा जी, हद से ज्यादा। अच्छा तो तुमने काम शुरू कर दिया? जी आज कुछ कुछ सीखा है, बाकी इम्तिहान के दिन पता चलेगा कैसा हूं। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ शौक से पूछो। क्या ये जरूरी है एडवर्टाइजिंग में किसी भी चीज की खूबी को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए? हम सच बोलकर उसी चीज की पब्लिसिटी नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मिर्च मसाला तो लगाना ही पड़ता है, नहीं तो चीजों का बिकना मुश्किल हो जाए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये। अच्छा अच्छा तुम समझ जाओगे। ये देखो इन तस्वीरों को गौर से देखो और बताओ कि इनमें क्या खास बात है। क्या देखा? किसी साइकिल की पब्लिसिटी के बारे में। वो तो ठीक है, लेकिन खास बात क्या है? खास बात बड़ी खूबसूरत और मजबूत साइकिल है। आप किस शहर के रहने वाले हैं? वैसे तो उसी शहर का रहने वाला हूँ जहाँ की आप हैं, मगर गीता जी बेवकूफ आपको हर शहर में मिलेंगे। मिस्टर साइकिल खूबसूरत नहीं, इस पर बैठी हुई खूबसूरत लड़कियाँ साइकिल को खूबसूरत बना रही है। हाँ विजय गीता ठीक कहती है। चाचा जी अपनी ये समझ में नहीं आता, अगर आपको साइकिल खरीदना है तो तस्वीर में आप साइकिल को देखिएगा या खूबसूरत लड़की को? बीएससी की डिग्री कितने सालों में मिली थी? जी चश्मा उतारी जी 16 साल में। 16 साल में और एडवर्टाइजिंग क्या है एक ही दिन में जानना चाहते हो? कल मैंने आप लोगों को किसी भी एक चीज का लेआउट बनाकर लाने के लिए कहा था, आप लोग बना के लाए हैं? जी यस मैडम, ये है बेबी सिरप का एडवर्टाइजमेंट, देखिए अभी देखिए। जुबू ये क्या है? बेबी सिरप के एडवर्टाइजमेंट में पहलवान की तस्वीर, यहाँ किसी बच्चे की तस्वीर बना कर लाइए, समझे? ओके मैडम। हाँ तो मिस्टर विजय जी तैयार है। रेजर के साथ लड़की का क्या काम? तुम रेजर की पब्लिसिटी करना चाहते हो ना, सेफ की रेजर की, तो फिर इस लड़की की। लेकिन लेकिन कल रात आप ही ने तो फरमाया था कि हर एडवर्टाइजमेंट के साथ एक खूबसूरत लड़की का होना बहुत जरूरी है, लिहाजा मैंने सेफ्टी रेजर के साथ। अकल इस्तेमाल किया करो। माफ कीजिएगा, बीएससी की डिग्री 16 साल में मिलती है, एक दिन में एडवर्टाइजिंग कैसे सीख लूं? बकवास बंद करो। बस शुरू होने की देर है, सब तैयारियां हो चुकी, मेहमानों को नौता दे चुका हूं, यहां तक कि मुहूर्त भी निकलवा चुका। मुहूर्त भी किसी बड़े आदमी के हाथों होना चाहिए। जी हाँ वो भी तय कर चुका हूँ। किसे बुलवा रहा है? भला आपके अलावा और कौन हो सकता है? मैं? नहीं नहीं किसी बड़े आदमी को बुला लीजिए। चंपालाल जी बड़े तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा हमदर्द नहीं मिलेगा। आप तो सोने में सुहागा हैं, बड़े भी हैं और हमारे हमदर्द भी। जैसी आपकी मर्जी। हाँ ये हुई बात, लीजिए जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए। आप इत्मीनान रखिए, जैसा आपने कहा था वैसे ही बना लिया। फिर मुझे इजाजत दीजिए। तो फिर मैं जाऊं? ओहो मैं भी कैसा उल्लू, असली बात तो भूल ही गया, एक छोटा सा चेक काट दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि पैसे का काम पैसे से चलता है, बगैर पैसे तो घर का मुर्दा भी नहीं उठता। कितने रुपए चाहिए? 50,000 दे दीजिए, जरूरत होगी फिर आ जाऊंगा। देखिए रुपया समझबूझ कर खर्च कीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, रुपया और दिमाग कब खर्च करना है कहाँ खर्च करना है इसे लालचंद खूब जानता है। मैं सोच रहा हूँ बार बार आपको कष्ट क्यों दूं, 1,00,000 रुपए कर दीजिए। फिलहाल आप यही ले जाइए। कोई बात नहीं फिलहाल यही ले जाते। Thank you.
जी वादियाँ, ये पर्वत को चूमते हुए खूबसूरत बादल, जी चाहता है इन्हीं में खो जाऊं। नॉट करेक्ट। आपके हुस्न के सामने ये सब नजारे क्या है? आप हो तो सब कुछ, आप ना हो तो कुछ नहीं। जी नहीं, हम हैं तो सब कुछ, हम ना हो तो कुछ भी नहीं। मिस्टर, इस दुनिया की रौनक हम औरतों से हैं। अगर हम औरतें ना हो तो तुम मर्द क्या करोगे? मैडम, अगर हम मर्द नहीं है ना तो आप औरतें क्या करेंगी? हाँ, अगर हम ना हो तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक बात कहूँ बल्ला, ये हुस्न सुभान अल्लाह। एक बात कहूँ बल्ला, ये हुस्न सुभान अल्लाह। जब नाम लिया दिल थाम लिया, कहो कैसी रही? बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है। बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है। दिलदार मिले तो ऐसा मिले, क्या बात कही। ऐसे को मिले तैसे, ये तुमको मिले जैसे। ऐसे को मिले तैसे, ये तुमको मिले जैसे। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, कहो कैसी कही। हमसे है तुम्हारी शौकी, क्या होता हम ही ना होते। क्या होता हम ही ना होते। हम नाज उठाते हैं, रूठों को मनाते हैं। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, कहो कैसी कही। आपके हाथों ही तो ये मर्द बिचारे तंग है। ये मर्द बिचारे तंग है। ये तिरछी नजर कातिल, तुम हो तो जवां है दिल। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, कहो कैसी कही। चलते हैं दिल, सूरत पे नहीं जाते हम। इस दिल से परखते हैं दिल, इस दिल से परखते हैं दिल। सच कहने के आदि हैं, हम तो सतवादी हैं। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, कहो कैसी कही। एक बात कहूँ वल्ला, ये हुस्न सुभान अल्लाह। जब नाम लिया जी दिल थाम लिया, कहो कैसी कही। बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है। दिलदार मिले तो ऐसा मिले, क्या बात कही। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी में कुछ हो गया। मर्दों से इस दुनिया की रौनक है ना, इसमें क्या शक है। तो फिर धक्के मारिए जी, नीचे उतरिए और धक्के मारिए। ये भी करना होगा जी। सुनी, जरा बाहर आइए। क्यों? आइए ना, आइए आइए आइए। देखिए, मैं गलती पे था, बाकी औरतों से दुनिया की रौनक है। आगे रास्ते पर जी। अब आप जाके धक्के लगाइए जी। मैं धक्के लगाती हूँ, तुम चूड़ियां पहनो। काश मेरे हाथ आप जैसे मुलायम होते। सुनिए सुनिए,
इनके नाप की चूड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे हाथ के कड़े मिल जाएंगे। आप गाड़ी में बैठिए, मैं धक्का लगाता हूँ। आइए आइए। और जोर लगाओ ना, खाना नहीं खाती हो क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैं मेरे डैडी को बोलूंगा। डैडी लाला लो बच्चो। इसको कहते हैं उड़न शय। है कुछ जवाब? पार्टनर का फर्जी के मुंह में घोड़े को रख दिया, लो मारा, चलो आगे। लाहौल, मैं ये क्या कर बैठा? अमां मेरी दाढ़ी के बाल क्या गिन रहे हो? जाके दरवाजा खोलो ना। देखो जी, नौकरों को छुट्टी तुमने दी है, तुम ही दरवाजा खोलो। अमां तुम तो मुझे बिल्कुल ही उल्लू समझते हो यार। यानी मैं जाऊं दरवाजा खोलने और तुम मोरे पलट के रख दो? जी हाँ, और मैं जाऊं दरवाजा खोलने और आप मोरे पलट दें? नहीं नहीं भी ठीक है, ठीक है। देखो पार्टनर, जानते हो दूध को कब खतरा नहीं होता? या तो दूध के पास कोई भी कुत्ता ना हो, या आमने सामने दो लड़ाकू कुत्ते हो। लाला देखो, तुम फिर मुझे कुत्ता कह रहे हो? देखो मामा खा नाराज हो रहे हो, अपने को भी तो कुत्ता कह रहा हूँ। ऐसा कौन है? देखो ऐसा करें, दोनों चलती ताकि शतरंज को कोई खतरा ना रहे। ये भी ठीक। आओ फिर, चलो आओ। और देखो कोई मेहमान आया तो चाय तुम्हें बनानी पड़ेगी। तुम किसी का नहीं करना, मैं इतना कह लूं वो जो है ना वो। फिर नियत का फर्क आया, तुम खोलो दरवाजा। बात बात में बेईमान। मियाँ साहब दादा खैर तो है, हाल से बेहाल हो रहे हो? कहाँ से जूते खा के आए हो? अरे कुछ मुंह से तो फूट, क्या हुआ? ये सब विजय की हरकतों का नतीजा है। मतलब? मैं वो और गीता घूमने जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, मैंने धक्के लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया और वो मुझे ही छोड़कर चला गया। लेकिन औलाद, उससे किसने कहा था गाड़ी में धक्के लगाने को? विजय मर गया था इस काम के लिए। पिताजी मैं तो गीता को खुश करने के लिए गाड़ी को धक्का लगा रहा था। तो फिर गीता को गाड़ी से उतार लेता, देखता वो उल्लू का पट्टा खाली गाड़ी कैसे ले जाता। अब बेटे ये अपनी जवानी का नुस्खा बता रहे, ये ऐसे क्या करते थे? अंकल बोल बेटे, एक मिनट। अम्मा तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे लड़के से मेरी जवानी की बात कर रहा हूँ? अम्मा ठीक तो है, लड़का भी तो जवान है, ये नहीं देख रहा हो? क्या जवान है? तुम्हें पता नहीं है जिस चीज से मैं डर रहा हूँ। अगर किसी दिन विजय लड़की को लेकर भाग गया तो ये बेचारा तो खुदकुशी कर लेगा। अम्मा लाहौल तुम्हारे मुंह में खाक यार, ऐसे चांद से लड़के के लिए लड़कियों की कमी है, आज जिससे कहो उससे करवा दूं, 10 से 20 से 50 से 75 से। यार तुम तो गधे घोड़े को एक ही लकड़ी से हाँकने लगे, तुम्हें कुछ पता नहीं लड़की लड़की में भी तो फर्क होता है। मैं रहन दो यार, लड़की मैंने भी दर्जनों देखी, लड़की लड़की में कोई फर्क नहीं होता, अलबत्ता उनकी जायदादों में फर्क होता है। हो क्या हो? अब भौंकी है। क्या कहा? भौंकी? अच्छा मिस्टर विश्वनाथ, देखिए मैं विजय बोल रहा हूँ। मैंने पढ़ा है पाउडर की खूबी के बारे में, आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, उसे फिर से लिखिए। नहीं नहीं, मैं सच्चाई से नहीं हट सकता, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा कीजिए। जी हाँ, और जल्दी। सेठ चंपालाल ने आज तक जो कुछ भी कमाया ना, तुम उसे प्यार से साल दो साल में उड़ा दोगे। ये काम अगर मैं करने लगा तो जनाब क्या करेंगे? ये जी, ये बात है। क्या बात है जी? आपकी मेहरबानियों की बात हो रही थी। सुनिए, आज नई कंपनी खुलने की खुशी में पार्टी है। वंडरफुल आइडिया।
जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। ये मेरा नहीं, डैडी का आइडिया है। अच्छा, डैडी का आइडिया है, फिर भी बुरा नहीं, ब्यूटीफुल। आप ठीक टाइम पर पहुंच रहे हैं। पहुंचना ही पड़ेगा, बॉस का हुक्म जो ठहरा। आज की रात जवानी का मचलना देखो, मैं जो नाचूंगा मेरे साथ वो दिलबर होगी, मेरे कंधों पे महकती हुई जुल्फें होंगी और बाहों में वो नाजुक सी कमर होगी। ऐसी सूरत पे नचाते हैं मदारी बंदर, डुगडुगी साथ में ले लेना अगर होगी। ना करे, ना वो कमर होगी ना वो जुल्फ ना दिलबर होगी, तुम इधर होगे मेरी जान वो इधर होगी। 100% नॉट करेक्ट। सारे मूड का दीवाना निकाल दिया। मालूम होता है जैसे बगला उड़ा जा रहा है। नहीं, तुम लोग डांस नहीं करोगे? जी आपके हुक्म की देर कबला, मैं तो सबसे तैयार बैठा हूँ। अंकल क्या हुआ? वैसे अपना भतीजा भी हुजूर माफ कीजिएगा, कुछ कम नहीं है। अभी 2 महीने पहले इसको इंग्लैंड से बुलवाया हुआ था नाचने के लिए। अजी वो तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि लड़के की गैर हाजिरी में लाला चल बसे। चाचा जी, एग्जाम सब ठीक है? सब ठीक है बेटा। तुम डांस नहीं करोगे? जी डांस मुझे शौक नहीं है। ये छोटे शहर में रहने वाले क्या जाने सोसाइटी क्या होती। जी
तुम्हें तो डांस का शौक नहीं था ना? जब दो दिल एक हो तब ये नाच नाचा जाता है। Mambo jumbo, mambo jumbo, mambo jumbo, mambo jumbo, mambo jumbo, mambo jumbo. Ae dil dekhe hai humne bade bade sang dil. मंजिल मिली तो हमको बदल गई महफिल। ऐ दिल देखे हैं हमने बड़े बड़े संग दिल। मंजिल मिली तो हमको बदल गई महफिल। ऐ दिल कितनी अजब है देखो दुनिया बेगानी। कितनी अजब है देखो दुनिया बेगानी। पत्थर को हीरा बोले दुनिया दीवानी। कितनी अजब है देखो सच्चा कभी ना हारा। चमका जमी का तारा सुन लो ये कहना हमारा। सच्चा कभी ना हारा। चमका जमी का तारा सुन लो ये कहना हमारा। ऐ दिल देखे हैं हमने बड़े बड़े संग दिल। मंजिल मिली जो हमको बदल गई महफिल। ऐ दिल दिल की नजर से देखो अपनों को जानो। दिल की नजर से देखो अपनों को जानो। गैरों की बातें छोड़ो खुद को पहचानो। दिल की नजर से देखो दिल में समाना सीखो। सपनों में आना सीखो अपना बनाना सीखो। दिल में समाना सीखो सपनों में आना सीखो अपना बनाना सीखो। ऐ दिल देखे हैं हमने बड़े बड़े संग दिल। मंजिल मिली जो हमको बदल गई महफिल। ऐ दिल देखे हैं हमने बड़े बड़े संग दिल। मंजिल मिली जो हमको बदल गई महफिल। ये मुंह और मसूर की दाल आपके बाप दादा ने भी कभी कांटे छुरी से खाया था? लाला देखो इतनी ऊंची उड़ान मत भरो। अमा तुम्हें क्या पता मेरे बाप दादा ने क्या किया था और क्या नहीं किया था? नहीं मुझे नहीं। सब पता है। एक बार आपने बाले साहब को गुड मॉर्निंग की थी और उन्होंने कसकर पांच जूते मारे थे आपके। लाला देखो जबान को लगाम दो वरना ईमान से मैं भी तुम्हारे बुजुर्गों की शान में कुछ गुस्ताखी कर गुजरूंगा। सुबह ही सुबह आओ। हमारे जामे से बाहर क्यों हो रहे हैं? मेरी बला से पिताजी। तेरी किस्मत में ही ठोकरे। लड़का जवान हो गया है ऐसी बातें मत करो। बैठो साहब जाते। मियां जी महात्मी सूरत क्यों बना रखी है? खैर तो है बरखुरदार गिरते हैं छह सवार ही मैदान जंग में। हाँ
और मियां वो तिपली क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले नहीं। रहमत अंकल क्या हुआ? मैं आपसे कह देता हूँ, आंखें क्यों दिखा रहा है? ठीक तो कह रहे, हजारों रुपए खर्च करके मैडम अलेक्जेंड्रा से तुझे नाच इसलिए सिखाया था कि बाजी हार जाए। अबे अगर हार नहीं था तो किसी मदारी से सीखा होता, मदारी से। इसमें मेरा क्या कसूर है पिताजी? ये तो एक्सीडेंट का मामला था, जूता नया था इसलिए मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसल गया? पर किस गधे ने तुझसे कहा था कि जूता पहन के नाच? नंगे पैर नाचते थे, पांव टूटते थे। नॉट करेक्ट पिताजी। तुम तो लड़के के पीछे हाथ धोके पड़ गए। अम्मा ये भी कोई कथक काली का नाच था जो बेचारा वो नंगे पांव नाच लेता? तुम अंग्रेजी तहजीब को नहीं समझते हो लाला। जी हाँ, आप समझते हैं अंग्रेजी तहजीब को। खा रहे थे ना छुरी काटे थे। अंकल आप खामोश रहिए। अच्छा मैं सारा पानी गिरा दिया। संभाल। पिताजी आप घबराते क्यों? सिर्फ एक ही रेस तो हारा हूँ, अभी तो बहुत सारी मीटिंग्स बाकी हैं, जीत के दिखा दूंगा। मेरे बेटे, रेस का जीतना खाली घोड़े पर मुनसिब नहीं है, जॉकी पर भी। करेक्ट। तू जब कभी भी दौड़े ये फर्ज कर ही लिया कर कि मैं तेरी पीठ पे बैठा, फिर देखूं कि कैसे हटता है। पॉजिटिवली करेक्ट। अरे राम भरोसे यार, ये अंग्रेजी खाना अच्छा नहीं लगता, कुछ चट पटा लिया। पिताजी आप एक काम करिए, वो इडली डोसा खाना शुरू कर दीजिए। बेटे अगर तुम्हारी मेहरबानी रही ना तो किसी दिन मैं भूसा खाना शुरू कर दूंगा। करेक्ट करेक्ट का बच्चा करेक्ट। यस यस इट्स ऑल राइट, कम इन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कल रात आप कौन से टाइप का डांस कर रहे थे? जी डांस तो मैं वही कर रहा था जो आप कर रही थी, लेकिन न जाने कल रात मैं क्यों नर्वस हो गया था। वैसे तो आपकी दुआ से मैं सारी दुनिया के क्लासिकल और फोक डांसर्स का माहिर हूँ। और जी हाँ जी हाँ, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। करेक्ट। गीता जी, जी अगर आप मुझे एक चांस और दें ना तो मैं आपको वो स्टेप्स करके दिखाऊं कि आप झूम झूम कर रह जाएं। वो तो मैं कल रात भी झूम रही थी। नॉट करेक्ट, सॉरी। हाँ तो वो मधुमालती कंपनी के कमर्शियल रेडियो प्रोग्राम का क्या? जी वो आज हो जाएगा, आप और मिस्टर विजय दोनों मिलकर फाइनल कर लीजिए। करेक्ट, लेकिन यू मे गो। थैंक यू। मिस्टर विजय, मधुमालती कंपनी के लिए मैंने एक मिनट का म्यूजिकल प्रोग्राम तैयार कर लिया है, अगर आपको तकलीफ ना हो तो सुन लीजिए। आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूं? करेक्ट। रेडी, मांगो नटी बालो शीशिया गंडब्बा, ओ मांगो नटी बालो शीशिया गंडब्बा, है नाम इसका बाल जादू सा है काम, है नाम इसका बाल जादू सा है काम, मांगो किस्मत वालो शीशिया गंडब्बा, अंधाई से लगा ले दिल का उजाला बाले, अंधाई से लगा ले दिल का उजाला बाले, फकीर हो या राजा और तेरा सुनेगा बाजा, कैसा लगा? ये प्रोग्राम सुनकर लोग बाम खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, ठीक मेरा मतलब है कितनी प्यारी आवाज है। थैंक यू। कितनी दिलकश ट्यून। शुक्रिया। और जब ये आवाज रोजाना 5 बार पब्लिक के कानों में पहुंचेगी तो सीधे दिल में उतर जाएगी। करेक्ट। एक बार और सुनिए। 1 2 स्टॉप। ऐसी आवाज जिस रेडियो से निकली मैं वो रेडियो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। नॉट करे तो क्या आप यहाँ ध्रुपद धमार गवाएंगे? तुम्हारी हर बात उल्टी होती है। कोई बात नहीं, मैं लेडी बॉस को जाकर सुनाता हूँ। जाइए जाइए, शौक से जाइए। जा रहा चलो। आंसू भरी है ये जीवन की राह,
चपरासी। यस सर। एक तौलिया लेकर। यस सर। ठंडे पानी में भिगो कर। यस सर। कहिए प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, बहुत चीप लगता है। चीप तो व्हाट? चीप नॉट करेक्ट। 7 दिन में हमने ये हिट ट्यून बनाई है। और इस पर भी हमारी मेहनत की कोई दाद नहीं देता। वहां विजय मुंह बनाता, यहां आप बुरा कहती हैं। विजय क्या कहता है? यही कि चीप है, बकवास है। अगर ऐसा प्रोग्राम रेडियो पर आएगा तो वो रेडियो सेट उठाकर बाहर फेंक देगा। तो विजय ने ऐसा कहा था? करेक्ट। मिस्टर किशोर। यस मैडम। मुझे अब तुम्हारा म्यूजिकल जिंगल कुछ कुछ पसंद आने लगा है। थैंक यू। मैं अब विजय की नापसंद को पसंद में बदल दूंगी। करेक्ट। पूछिए। किशोर का बनाया हुआ प्रोग्राम तुम्हें पसंद नहीं आया? जी नहीं। लेकिन मुझे पसंद है। अपनी अपनी पसंद है। स्टॉप, आप यहां से बाहर चले जाइए। आप यहां की सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव हैं, आपका जो जी चाहे सो कीजिए। और हाँ, डैडी और हम लोग कल पिकनिक पे जा रहे हैं, आप दोनों भी चलने की तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन कहाँ? वहां जाकर मालूम हो जाएगा। कर रहे जी। विजय, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं गाना सुन रही हूँ। तो मेहरबानी करके कहीं दूर जाके सुनिए। आप दूर जाकर पढ़िए। सॉरी, मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ। कहाँ चलेंगे? कहीं नहीं। करेक्ट। विजय, तुम्हें स्विमिंग नहीं करना है? तैयार नहीं हुए? आज इनका मूड नहीं है। जी? आज इनका मूड नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरा मूड है। पानी ठंडा है? तुम तो ठंडी सांस भरते हो। गहरा भी है। बस वापस आ जाइए। आइए 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 ना। नहीं आती, मुझे तैरना आता है, समझे? आइए, कम ऑन। मुझे सचमुच तैरना नहीं आता है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको सिखा देता। मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आप बिल्कुल मछली की तरह तैरने लग जाएंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, दिस इज नथिंग। आप कहें तो मैं 7 समंदर पार करके वहां चला जाऊंगा। कम ऑन। बचाओ।
ऐसे मालूम होता है जैसे रेडियो स्टेशन पर क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा हो। आप कौन सा राग गा रही हैं? यू शट अप। आप यहाँ से चले जाइए। देखिए, ना तो ये ऑफिस है और ना आप यहाँ की बॉस है। मेहमानों से ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं। जिम ये लीजिए। देखिए मैं आपको कह देती हूँ। ये क्या? अच्छी मैं तमाम दिन अपने काम में उलझा रहा हूँ, यहाँ आया तो मालूम है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। डैडी वो अच्छी सर्दी हो गई है। सर्दी? वो कैसे? वो अच्छी गीता जी अच्छी पानी की गहराई ना आपने गई थी जी। लेकिन तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। सिखाने वाला लाजवाब था। देखिए मैं आपको कह देती हूँ आप यहाँ से। कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ गया। आप ऐसे नहीं समझे। कैसे नहीं समझे? आपको समझा देती हूँ। अच्छी डैडी किशोर बहुत बड़ा फ्रॉड है। पक्का 420 उसे खुद अच्छी तरह तैरना नहीं आता और मुझे सिखाने ले गए। फिर क्या हुआ? किशोर और मैं डूबने लगे। विजय ने आकर हम दोनों की जान बचाई। बेटा तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। देखो तो कितनी सर्दी लग रही है। बोलो। मैं खुद थोड़ी गई थी। डैडी एक बात पूछूं? अगर कोई किसी को चाहता हो और सामने वाला बिल्कुल बुद्धू हो, वो दूसरा भी बुद्धू बन जाए, दोनों का कल्याण हो जाएगा। गुड नाइट। रात में देखे हुए ख्वाबों को तो झूठ समझ लो, दिन में देखे हुए ख्वाबों की भी हीर है कि नहीं? मेरे हाथों की लकीरें भी गलत होंगी मगर तेरे हाथों में बता मेरी लकीर है कि नहीं। चश्मा उतारो। उतारिए, उतारिए ना, उतारिए मिलते हैं प्यार में चंचल बहार में। सुन 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 जरा आ जाओ, सुन 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 जरा आ जाओ। दिल को संभालना भोला शबाब है, नीची निगाह की आदत खराब है, नीची निगाह की आदत खराब है। दिल को उम्मीद है ऐसी जनाब से, रिश्ता बहार का, रिश्ता बहार।
के न जाइए इतने करीब से, पाया है प्यार ने, पाया है प्यार ने तुमको नसीब से, पाया है प्यार ने तुमको नसीब से। ख्वाबों में आपको देखा था गौर से, निकले हो और ही, निकले हो और ही लगते थे और से, निकले हो और ही लगते थे और से। हम भी दीवाने से, तुम भी दीवाने से, मिलते हैं प्यार में चंचल बहार में। आ जाओ झूम 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 ले ले मजा, सुन 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 ज़रा आ जाओ, झूम 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 ले ले मजा, सुन 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 ज़रा आ जाओ। देखिए मैं रुपए लगा सकता हूँ, आपका हाथ नहीं बटा सकता। आप जो इतना कारोबार फैला रहे हैं अकेले संभाल लेंगे? चंपा लाल जी, मैं तो ऐसा गधा हूँ जितना बोझ ज्यादा ला दो उतने ही जोर से दौड़ता हूँ। आप आंखें मीच कर दस्तखत कर दीजिए। और आपके दस्तखत? जी ये रहे मेरे दस्तखत, ये दस्तखत मैंने पहले किए थे और टाइप बाद में कराया था। व्यापारी का बेटा हूँ ना, नफे में सबसे आगे और नुकसान में सबसे पीछे रहता, और इस मामले में तो नफा ही नफा है। आप इत्मीनान से दस्तखत कर दीजिए। गीता को भी बुलवा लीजिए, पार्टनर है ना, उसके दस्तखत होना भी बहुत जरूरी है। हेलो गीता, तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ना जाने किशोर पर आपने क्या जादू कर दिया, उसे ये एडवर्टाइजिंग की लाइन इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि डरता हूँ कहीं इसको कोई किताब ना लिख डाले। मोहब्बत एक नादानी सही, लेकिन अकलमंदो जवानी में ये नादानी हंसी मालूम होती है। विजय, हाल दिल कहते हुए क्यों डरता हूं, कहीं जूते ना पड़े, डर इसका है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल? वैसे आप दिमाग कम खाइए और काम ज्यादा कीजिए, चलिए यहाँ से। काम ही तो मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है इस क्रीम को मार्केट में लाना। सच कहता हूँ प्यारे, अगर वो साइंटिस्ट सच कहता है तो हम इस क्रीम से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। उसने कहा है इससे काली गोरी, बदसूरत हसीन, हसीन नाजनीन, और नाजनीन महजबीन बन सकती है ना? करेक्ट, चेहरे के रिंकल्स और तिल भी गायब हो जाएंगे। तो आज से लगाना शुरू कर दीजिए, कुछ ही दिनों में मर्द से औरत बन जाइएगा। नॉट करेक्ट, तुम कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन सकते और ना ही कोई बड़ा काम कर सकते हो। और आप कर सकते हैं। करने का मौका ही नहीं मिलता, कल आपसे क्या कर सका और आज इन्हें क्या कर पछताया। मैडम ये वही फेस क्रीम है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, इसके राइट्स लेकर हम धूम मचा सकते हैं, सारी दुनिया की मार्केट मेरी मुट्ठी में होगी और ये पुलिस की मुट्ठी में होंगे। नॉट करेक्ट। बस हवाई के लिए ही बनाते रहो। सेट बनवारी लाल की शूटिंग प्रोग्राम का क्या हुआ? आज है। आज है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कमाल, आपने मुझे बताने का मौका ही कब दिया? आर्टिस्ट कहाँ आएंगे? सब वहाँ पहुँच जाएंगे, घबराइए नहीं। बड़े से बड़ा काम करना मेरे बाएं हाथ का खेल। स्क्रिप्ट कहाँ है? बड़ी से बड़ी स्क्रिप्ट तैयार करना इनके दाएं हाथ का खेल। करेक्ट। चलिए चलिए। करेक्ट। न जाने इस दुनिया को क्या हो गया, अभी तक एक भी आर्टिस्ट नहीं आया। तुम्हारा तो हर काम उल्टा होता है। किशोर जी, दो घंटे के बाद दूसरे प्रोड्यूसर की शूटिंग है, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, नहीं तो मजबूरन हमें ये सेट तोड़ देना पड़ेगा। देखिए अब्बास साहब, सेट तो आप बाद में तोड़ेंगे, पहले मेरा सर टूट जाएगा। लेकिन मजबूरी है, देखिए। लेकिन क्या, अगर आज शूटिंग ना हुई तो जानते हो कितना नुकसान होगा। लेकिन आप मेरी बात सुनिए विजय, तुम्हें कोई रास्ता निकालो ना। करेक्ट, मिल गया रास्ता। तुम करोगे हीरो का रोल। मैं और हीरो? नहीं, तो क्या मेरे वाले साहब करेंगे? मुझे कुछ करने वाला नहीं आता, तुम खुद ही कर लो। ओ, वैसे ही दो कलाकार गायब हैं, मैं तो बाप का रोल कर रहा हूँ, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें चुटकी में सिखा दूंगा। बिल्कुल ही सिखा। मुझे कोई एक्टिंग करनी नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। करो करो। मैडम हम लोग काम शुरू करते हैं? हां शुरू करो। विजय सर समझ गए ना? हां डायरेक्टर साहब, चलो चलो। स्टार्ट साउंड। नीलम कंपनी तंबाकू रील, वन बाय वन टेक वन। Ah
मेरे लाल ये तुम्हें क्या हो गया? मेरे कलेजे के टुकड़े, अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, ये क्या बात है? तुम्हारी नीली आंखों से गंगा जमुना क्यों बह रही है? पहले मुझे ये समझाओ कि तुम रो रहे हो क्या जान दे रहे हो? चाचा जान, मेरा कलेजा फट रहा है। तेरे साथ मेरा भी कलेजा फट रहा है। आखिर क्यों? खुदा के लिए बोलो, क्या बात है? खुदा के लिए बोलो। चाचा जान, जब मेरा बाप मरा था तो मोहल्ले के जितने बुढ़े थे उन्होंने कहा, घबराओ नहीं जुम्मन, हम हैं। ये तो मैंने भी कहा था। और चाचा जान, जब मेरी माँ मरी थी, आए क्या कयामत का दिन था वो। मत रो मेरे लाल। चाचा जान, जब मेरी माँ मरी थी तो मोहल्ले की सब बुढ़ियों ने कहा, घबराओ नहीं जुम्मन, हम हैं। और चाचा जान, अब जब मेरी प्यारी लैला मरी है, जब मेरी प्यारी लैला मरी है चाचा जान, तो मोहल्ले की किसी भी लड़की ने नहीं कहा, रो नहीं जुम्मन, हम हैं। अल्लाह, घबराओ नहीं बेटा, ये नीलम कंपनी का तंबाकू तुम्हारे गम दूर कर दे। इसे खाने से जो मसरत हासिल होती है तुम भी हासिल करो। क्या हुआ मेरा लाल? क्या पता लीजिएगा, क्या क्या मैंने तंबाकू मेरे मुंह में क्यों डाल दिया आपने? अरे साहब, तंबाकू की पत्ती सूटी, असली तंबाकू तुम्हारे मुंह में नहीं डाला। क्या होगा आज की नहीं थी पब्लिसिटी को, क्यों स्क्रिप्ट पे ये बात थी? अरे क्या नहीं थी स्क्रिप्ट पे, यही बात थी, असली तंबाकू की कंपनी की पब्लिसिटी है। ऊपर देख लीजिए, ऐसी हरकतें करते हैं संभालिए आप इन्हें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब देखो कोई ना कोई अपनी खोपड़ी से उल्टी सीधी बात करते रहते, मुझे नहीं काम करना ऐसी पब्लिसिटी में। लेकिन मेरे तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो, अब करो अपनी असली पब्लिसिटी। विजय ने जानबूझ के प्रोग्राम चौपट किया है, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। फिर तूने क्यों दिया विजय को हीरो का रोल, खुद क्यों नहीं किया? पिताजी, मैं तो बाप का रोल कर रहा था। अबे अंडे, तू क्या करेगा बाप का रोल, मुझे क्यों नहीं बुलाया बाप के रोल के? पिताजी, मैं समझे आपके खाक एक्टिंग करेंगे। कहते रात दिन ये जो कुछ मैं करता हूँ एक्टिंग ही तो है, मुझसे बेहतर एक्टिंग और कौन कर सकता है, जवाब दे। करेक्ट, लेकिन पिताजी जो होना था सो हो गया, अगर अब भी आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो बिगड़ी हुई बात बन सकती है। अबे वो तो जब से तू पैदा हुआ मैं तेरी मदद ही करता आया हूँ। बोल, इस वक्त मुझसे क्या चाहता है? जिस फेस क्रीम के बारे में मैंने आपसे बात की थी उससे हमारी तकदीरें बदल सकती हैं। उसे मार्केट में लाने के लिए मेरे पास पूरा प्लान तैयार है, बस आपके पसंद करने की देर है। मेरी पसंद नापसंद से क्या होता, गीता को ये स्कीम पसंद आई? बात ये है पिताजी, यूं तो गीता मेरा ही मुंह देखकर जिया करती है, लेकिन आजकल उसका भी रुख कुछ बदला हुआ। इसकी वजह? वजह ये पिताजी, कुछ दिन पहले मैं और गीता पानी में फंस गए थे, हम लोग डूब रहे थे कि विजय ने आके बचा लिया और मैं। लानत, तुम दोनों डूब क्यों नहीं गए? कम से कम साथ तो रहती, गैर तो ना बचा। उल्लू, इतना तो सोच, लड़की बचाने वाले को चाहेगी या डूबने वाले को? आप फिक्र ना करें पिताजी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं सब संभाल लूंगा। कब संभालेगा, जब लड़की की दूसरे से शादी हो जाएगी? करेक्ट करेक्ट। अरे मूर्ख राम, इतना तो सोचा होता किस बाप का बेटा। अगर रुपए में चार आने भी मेरे कदमों पे चला होता तो आज चंपा लाल के महल हमारे महल होते। लेकिन पिताजी वो झोपड़े मर गए पिताजी। चल मेरे साथ, ये उम्र और ये काम, भगवान इसे बुरी नजर से बचाए। सच कहता हूँ चंपा लाल जी, ऐसी औलाद किसी भाग्यशाली को ही मिलती है। और फिर इसका प्लान तो मैं आपको सुना ही चुका हूँ, क्या उससे माला माल नहीं हो सकती? जिस वक्त ये बंडर क्रीम मार्केट में आएगी ना, आपकी शोहरत को चार चांद लग जाएंगे, चार चांद। करेक्ट, और फिर चंपालाल जी वो अंकल कहते शर्माती है। करेक्ट, हाँ अंकल, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस हम पे भरोसा रखिए और देखते जाइए कि हम दोनों बाप बेटे आपके लिए क्या नहीं करते। लेकिन आप मिस गीता से इतना कह दीजिए कि वो हमारा हाथ बटाएं। अजी, इस क्रीम की तो हम बुड्ढों को ज्यादा जरूरत है, देख लीजिएगा जवानी के दिन लौट आएंगे। अजी, इसे आप क्रीम तो समझिए ही नहीं, जादू की पुड़िया है, जादू की पुड़िया। करेक्ट करेक्ट। ओ हेलो गीता, गीता सुनो, अभी लालचंद जी और किशोर ने मुझे वंडर रिंकल रिमूवर फेस क्रीम के बारे में बताया है,
मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहता हूं। नहीं नहीं, तुम्हें समझती हो। सुनो, ये आइडिया मुझे पसंद है, इससे हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। तुम किशोर की मदद करो। तुम्हारी सब तैयारियां हो चुकी? करेक्ट जी। अजी बात शुरू करने की देर है। अंकल मैं तो इसमें जमीन आसमान एक कर दूंगा। अजी ये तो लोहे का आदमी है, अगर चट्टान में सर मारे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अच्छा अच्छा, तो जाओ गीता को सुना दो। करेक्ट अंकल, करेक्ट। मगर ये कैसे हो सकता है? केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट के बगैर ऐसी चीज को मार्केट में कैसे ला सकते? वो तो सब ठीक है, मगर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। डैडी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। तो बस एक ही चीज हो सकती है, फेस क्रीम को मार्केट में लॉन्च करने से पहले केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट मंगवा ली जाए। वेरी गुड आइडिया, ऐसा हो सकता है। आपका क्या प्लान है? अजी बस आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। मैं इसकी जबरदस्त पब्लिसिटी करूंगा, भारत के कोने कोने में धूम मचा दूंगा, गली गली कूचे कूचे चर्चे होंगे, लोग फूलों का हार लिए मुझे ढूंढेंगे। और नियोन लाइट से सारा शहर जगमगा उठेगा। रंगीली बोतल का देख लो जादू, अरे रंग रंगीली बोतल का देख लो जादू। काला बनेगा गोरा, बूढ़ा बनेगा छोरा, छोरा बनेगा गोरा गोरा, तू रात की है रानी, रानी रानी ए माँ, तू रात की है रानी, है तुझ पे जवानी, जवानी मस्तानी, इसी की मेहरबानी। रंग रंगीली बोतल का देख लो जादू, काला बनेगा गोरा, बूढ़ा बनेगा छोरा, छोरा बनेगा गोरा गोरा। हसीना जो लगाए तो बिजली गिराए, दिल वाले दिल थामे आहे भरे। सुनो रे दिल वालों, दो गालों पे लगा लो, झुकी झुकी आंखों वाले पीछा करे। ले आजमा मेरी दवा, मारा मारा तू यूं क्यों फिरे। रंग रंगीली बोतल का देख लो जादू, काला बनेगा गोरा, बूढ़ा बनेगा छोरा, छोरा बनेगा गोरा गोरा। है अपना ये कहना, हसीनों का ये गहना, देखो देखो मेरा जादू मेहरबान। चांद पे जाने वाले, चांद में दाग काले, ले जा प्यारे ले जा इसे तू वहां। दावे जफा कर दे सफा, चांद होगा पीछे फिर तेरे। रंग रंगीली बोतल का देख लो जादू, हर
अरे रंग रंगीली बोतल का देख लो जादू। काला बनेगा गोरा, बूढ़ा बनेगा छोरा, छोरा बनेगा गोरा गोरा, तू रात की है रानी 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 एपा, तू रात की है रानी, है तुझ में जवानी जवानी मस्तानी, इसी की इसी की इसी की मेहरबानी। रंग रंगीले बोतल का देख लो जादू। काला बनेगा गोरा, बूढ़ा बनेगा छोरा, छोरा बनेगा गोरा गोरा। क्यों हिला दिया ना सारे शहर को? बस तुम ही एक बदनसीब थे जो मेरे प्रोग्राम में नहीं आए, मेरी हर बात को बकवास समझते थे। हैं? मैं अपनी वही समझता हूँ। अरे अब तुम्हारी किसको परवाह है भाई प्यारे, बस सिर्फ एक हाँ की देर है, उसके बाद जिंदगी कट जाएगी आराम से। प्यारे कहीं ऐसा ना हो कि आधी जिंदगी आरजू में और आधी इंतजार में कट जाए। करेक्ट नॉट करेक्ट। अरे बाप रे, ये इतने हजारों की तादाद में आदमी अपनी बिल्डिंग में आ रहे हैं। तुम्हें हार पहनाने आ रहे हैं? अच्छा, तुमने काम भी तो बहुत बढ़िया किया है ना। करेक्ट, मैं अभी आता हूँ। बहुत अच्छे। ओ, ये आप लोगों को क्या तकलीफ है भाई? मैं तो ऑफिस हट गई। अरे भाई पीछे हट जाइए, ये ऑफिस है, हट जाइए ना पीछे। आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, मैं खुद पीछे हट जाता हूँ। अरे मुझे कुछ समझाओ तो। अरे कुछ तो मुंह से फूटो, फूलों के हार कहा। भाई फादर, कल उसने मुझे क्रीम का बाटली दिया था। कौन, मेरे? Yes, you. कल मार्केट में ये करने से जो मुझे मार पड़ी उसके तुम हो। कौन मैं? तुम। खैरिये मैं तेरा पूछ के आता हूँ। मेरे को छोड़ दो, चुप मोटा। वेरी गुड गुड। अबे अबे ये क्या हो रहा है? तुमको क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरी कमी, अबे मुझे पैसे बना दिया, मेरे पेड़ पे मत मार। तुम क्या सचमुच का मार गया मुझे? फूल ले गुलाब का मारा। जी जल्दी चलो, गुरु किशोर की पिटाई कर रहे हैं। यूं यूं और यूं यूं कर रहे हैं जी, यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चलो चलो ना। आप लोग
खामोश हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं जो कुछ भी कहूंगा आपके फायदे के लिए कहूंगा। देखिए ये जो आप सब यूं 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 कर रहे हैं ये टेम्पररी है, चार ही दिन में ठीक हो जाएगा। इसका क्या सबूत है जी? आप? मैं बॉम्बे न्यूज के एडिटर के हैसियत से पूछ रहा हूँ। मेरा नाम है मोनी चैटर्जी जी। ये देखिए ये केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये रिपोर्ट बाद में पहुंची है और इससे पहले फेस क्रीम मार्केट में पहुंच गई है। जी जी ये गलती हम लोगों से जरूर हुई है। अगर ये रिपोर्ट में टेम्पोररी की जगह परमानेंट लिखा होता तो हर हालत में हमारी कंपनी जिम्मेदार थी, हमसे गलती हुई। देखा विजय ने आपकी क्या इज्जत बढ़ाई है। हाथ कड़ी लगने में दो चार हाथ का ही फासला रह गया। अगर आपके लाडले ने यही करना है तो फिर हमें छुट्टी दे दी। हमारे ऊपर से ज्यादा आई। ये देखिए अंकल आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने क्या किया है। अभी तो सिर्फ हाथ टूटा है, अगर मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, लेकिन अगर विजय आपको यूं ही बदनाम करता रहा तो हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी का मुंह कौन देखेगा। ठीक तो है, देखिए अगर आप अब भी नहीं समझे तो जिंदगी भर पछताएंगे। ये विजय तो आपकी उम्र भर की कमाई और इज्जत उजाड़ने पर तुला हुआ है। मैं हर बात अच्छी तरह जानता हूँ, जो ठीक समझूं वो करूंगा। आप लोग चले जाइए। ठीक है, कहना अपना फर्ज था, कह दिया, जो आपका मन चाहे तो कीजिए। चल बे, चल चल चल। चाचा जी आपने मुझे बुलाया। अंधेरी रातों में दिया क्यों जलाया जाता है जी? रोशनी फैलाने के लिए। मगर पतंगे भी तो जल जाते हैं, फिर लोग दिया जलाने वाले की बुराई क्यों नहीं करते? इसलिए उसका मकसद किसी को जलाने के लिए नहीं था। अगर कोई खुद जल जाए तो इसमें दिया जलाने वाले का क्या कसूर? और ये सब पूछने का मतलब? मैंने भी तो लोगों की बदसूरती को खूबसूरती में बदलने के लिए क्रीम को मार्केट को भेजा था। अगर अनजाने में किसी को नुकसान पहुंच गया तो उसमें मेरा क्या कसूर? लो इसे पढ़ो। तुम्हारे इस बयान से मुझे कितना दुख पहुंचा है वो नहीं जानता। मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुमसे इतनी बड़ी गलती होगी। कंपनी की मेरी कितनी बदनामी है इसका अंदाजा कर सकते हो? यह बयान मैंने खुद जाकर नहीं दिया चाचा जी, एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा और मैंने सच्ची बात कह दी। वो झूठ जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे और अपनी इज्जत बच जाए, और झूठ के बोलने में हर्जी क्या है? झूठ फिर भी झूठ, और एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते। अपनी गलती को मान लेने में ही बढ़ाई है चाचा जी। ये सब किताबों की बातें, अमल कौन करता है? इस दुनिया को दुनिया की नजरों से देखने की कोशिश करो। यहाँ गलती मान लेने वालों को माफ नहीं किया जाता, सजा मिलती है। और यही सजा एक दिन इंसान को फरिश्ता बना देती है। विजय मैं बहस करना नहीं चाहता, मैं ऐसा आदमी चाहता हूँ जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चल सके, मेरी इज्जत को पहचान सके। आज से तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। अब आपको मेरी वजह से कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मैं यहां से चला जाऊंगा। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहा। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं चाचा जी, अपने असूलों को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, जब तुम्हारे सपनों का शीश मैल टूट कर बिखर जाए तो वापस आ जाना। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जैसों के लिए भी तो कोई जगह होगी। डैडी की बात का बुरा मान गया। मुझे तुम्हारे डैडी से नहीं, इस दुनिया से शिकवा है जहां इंसानियत और सच्चाई को गुनाह समझा जाता है। तो फिर यहां से जाने की क्या जरूरत है? इसलिए कि मेरा और तुम्हारे डैडी का रास्ता अलग। मैं अपनी उस मंजिल की तलाश में जाना चाहता हूँ जहां रोटी के दो टुकड़ों के लिए झूठ ना बोलना पड़े।
जहां इंसान रात को दिन कहने के लिए मजबूर न किया जाए। इन्हें यही रहने दो, ये बेजबान पंछी कम से कम आपकी याद तो दिलाएंगे। गीता, मैं भी कभी तुम्हें याद आऊंगी। याद तो उसे किया जाता है जो दूर, जो दिल में रहते उन्हें भुलाया नहीं जाता। तुम सदा मेरी पलकों में रहोगे, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मेरी खोई हुई मुस्कुराहट मुझे वापस देने आओगे। तुम इतना उदास क्यों होती हो? ये घर छूट रहा है, तुम तो नहीं बिछड़ रही। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारी याद मेरे साथ रहेगी। फिर मैं तो इसी शहर में हूं, तुमसे मिलता जुलता रहूंगा। दो। सब तुम क्या ये खाली पीली रोज अखबार में लाइन मारता है? लाइन नहीं मारता, नौकरी ढूंढता हूं भैया। नौकरी? क्या हो गया? मां कसम तुम्हारा फेस कट बहुत अच्छा है। फेस कट? हाँ। तुम्हारा ख्याल है फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाऊं? हाँ साहब, ट्राई तो अपन भी बहुत मारा लेकिन जरा फेस कट से मार खा गया। साहब अगर एक चांस मिल जाए तो पांचों घी में। और तुम्हारा सर कड़ाई में, मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी लाया साहब। साहब अगर आपका चांस लगा तो जरा अपना ख्याल रखना। भैया फिलहाल तो अपनी फिल्म कंपनी का नाम है ऑनेस्टी इलेक्ट्रिक कंपनी। ऑनेस्टी इलेक्ट्रिक कंपनी। ओ साहेब किधर कर रो? नौकरी के लिए आया हूं खान साहब। नौकरी समझा, बराबर समझा, जो अंदर। ऑनेस्टी इलेक्ट्रिक कंपनी मोटवा ब्यूटी हेयर कटिंग सैलून 66 रॉन्ग नंबर। कहिए जी। मैं वो नौकरी के लिए आया हूँ। बैठो। मैं बीएससी पास हूँ जी। तुम बीएससी पास हो या बीबी पास हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंटर पर खड़े होकर होशियारी से माल बेचना है, बोलो बेच सकोगे? जी जरूर बेच सकूंगा। इससे पहले जी मैं एक ठहरो, छोटी बात बड़ा मतलब, ओनली वन जवाब, हाँ या नहीं। जी जी मुखड़ा तो अच्छा है। अच्छा जाओ, कल से काम पर आना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। अरे भाई दरवाजा खुला है, आ जा। रख दे पी लूंगा। बहरा है क्या? तेरे हाथ तो लड़कियों जैसे हैं। क्या तुम सुबह सुबह कहाँ चली? तुमसे मतलब? छोड़ दो मुझे। ये बंधन बहुत मजबूत है, आसानी से नहीं छूटेगा। नाराज हो? तुमसे मतलब? सुनो। नहीं सुनती। तुम्हें देखने के लिए तो यहाँ आंखें तरस रही थी। इसीलिए दो महीने हो गए सूरत नहीं दिखाई। पहले फरियादी की फरियाद सुन लो, फिर सजा देना।
सजा तो मुझे मिल रही है। जानते हो कितनी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है? अपने दिल से पूछ लिया होता? वो तो तुम ले आए थे। अपना जो वहां छोड़ आया था उसने तो पता बताया, नहीं तो तुम कहां आने वाले थे? मैं तो आज शाम को ही आने वाला था। मुंह देखी बात ना करो, इतने दिन से क्यों नहीं आया? आता कैसे, नौकरी जो करता हूँ, सुबह जाना शाम को आना, रात को तुम्हें याद करना और पढ़ के सो रहना, इसी से सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, समझी? बहुत जल्दी समझ गई। अरे तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ, क्यों, क्या पा लिया है? जो खो गया था। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी? अच्छा अच्छा, भी गलत होंगी मगर तेरे हाथों में बता मेरी लकीर है कि नहीं। ए मिस्टर, मुझे टेबल लैंप का शेड चाहिए। जी ये लीजिए, ये 5-15, ये 6-20 और ये 7-25। कौन सा मेक है? हिंदुस्तानी माल है, मेड इन इंडिया, बहुत सस्ता और मजबूत। अब तो अपने इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है मैम साहब, फॉरेन माल की टक्कर लेता है। नॉनसेंस, इंडियन मेक और फॉरेन मेक में बहुत फर्क है। अब मुझे फॉरेन मेक चाहिए। माफ कीजिए, फॉरेन मेक इंपोर्ट नहीं होता आजकल। नॉनसेंस, दूसरी शॉप्स में तो बहुत मिलता है। माफ कीजिए, हमारे यहाँ नहीं है जी। ऑल राइट। है? अरे तुम अजीब तरह के आदमी हो, गिरा समझे बूझे ग्राहक को वापस भेज देते हो। जाओ अंदर कोने वाली अलमारी में माल भरा पड़ा है, जाओ ले आओ जी। अरे जी क्या, वहां नीचे वाली अलमारी में सब कुछ है, जाओ।
जी अपने यहाँ तो देश देश की चीजें भरी पड़ी हैं मैडम। सेठ जी नहीं मिलता, तुम्हारा सर नहीं मिलता। एक्सक्यूज मी मैडम। ऑल राइट, अकलमंद को इशारा काफी है। मैडम इंग्लैंड हॉलैंड पोलैंड स्विट्जरलैंड जर्मनी फ्रांस बेल्जियम अमेरिका रूस, बोलिए कहाँ का चाहिए? इंग्लैंड 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 ये रहा इंग्लैंड। अरे तुम्हें तो दिखता ही नहीं है बराबर। ये देखो ये रहा इंग्लैंड। लीजिए मैड इन इंग्लैंड। ओह वेरी गुड। प्राइस? कुछ नहीं, फकत 17 रुपए 25 नए पैसे। जी नहीं, 7 रुपए 25 नए पैसे। 17 रुपए 25 नए पैसे। 7 रुपए 25 नए पैसे। फॉरेन मेड 17 रुपए 25 नए पैसे। मेड इन इंडिया 7 रुपए 25 नए पैसे। नॉनसेंस, यू 420 होलसेल होगा। मैं अभी तुम्हें ससुराल भेजती हूँ। आई मीन रिगरस इम्प्रिजनमेंट। आई विल डेफिनेटली सी यू। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अभी जी का बच्चा यहाँ से निकल जाओ। जैसा आप कहो। मेरी तनख्वाह? तनख्वाह गई भाड़ में। मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। माफ कीजिए सेठ जी, मैंने काम किया है, मुझे पैसे मिलने ही चाहिए। पैसे मिलने ही चाहिए? खान इसको पैसा दे दो। वे क्या बोलते हैं? वल्ला खान साहब, तमीज से गुफ्तगू बेहतर। ओए बरसाती मोचर, कि तुम हमको डराते हैं, हम तुमको अखरोट के मुआफिक यूं दबा देगा। ओए मर गया। लाइए मेरे पैसे। ले भाई, दे तो रहा हूँ। एक दो तीन सेवन चार 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 फाइव सात छः ओए ओए सेठ साहब, जल्दी एकदम जल्दी, जमाना गर्दिश कर रहा है। थैंक यू सर, नमस्ते। अरे पठान को तो डब्बा ही गुल कर दिया ना। खान साहब, जमाना गर्दिश नहीं कर रहा, इंसानियत गर्दिश में। दुनिया को एक आंख से नहीं, दोनों आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। जिया उठिए, ये लीजिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या दोबारा, जरा जोर से दबा, जोर से। चाल शुरू हो जा। शाबाश, बहुत अच्छे। हम गरीबों को देख के क्या हंसते हो बाबू? नहीं नहीं, मैं तुम पे तो नहीं हंस रहा, मैं तो देख रहा हूँ तुम लोग कैसे हंस के जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी में हंसी कहाँ है बाबू? यही दो चार घड़ी गम भूलने के लिए जी बहला लेते हैं, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाए, समझे बाबू? यही बात है। वो सामने जो ऊंचे ऊंचे महल खड़े हैं ना, उनमें भी कोई सुखी नहीं है। क्यों मजाक करते हो बाबू? सच कहता हूँ, ये तो मृगजल है। दूर से देखो तो पानी, पास जाओ तो रेत के ढेर, ऊपर से सब कुछ, अंदर कुछ भी नहीं। हाँ, दिल के बहलाने को ख्याल बहुत अच्छा है बाबू, वैसे ये दुनिया उन्हीं की है। भैया आज कोई माने ना माने, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया अपन सब की होगी। ये बात है। जियो राजा जियो। क्या बात कही बाबू जी। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा, ये जमाना जमाना। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा, ये जमाना जमाना। सुनो दुनिया वालों, आ
आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना हाल दिल हमारा। एक दिन दुनिया बदल कर रास्ते पर आएगी, आज ठुकराती है हमको कल मगर शर्माएगी। बात को तुम मान लो अरे जान लो भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा, ये जमाना जमाना सुनो दुनिया वालों। दाग है दिल पर हजारों, हम तो फिर भी शाद हैं, आस के दीपक जलाए देख लो आबाद है। तीर दुनिया के सहे पर खुश रहे भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा, ये जमाना जमाना सुनो दुनिया वालों। झूठ की मंजिल पे यारो हम न हरगिज जाएंगे, हम जमीन की खाक सही आसमां पर जाएंगे। क्यों भला दब कर रहे डरते नहीं भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा, ये जमाना जमाना सुनो दुनिया वालों। आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना हाल दिल हमारा। बहुत शिकवा है जमाने से। चाचा जी बाबू नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे हो? अच्छा हूँ भाई। उस दिन मैं तुम्हें मान गया, 40 साल से जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन इस दौर में तुम पहले आदमी हो जिसने सच कहने की हिम्मत की। लेकिन उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। क्यों? इस दुनिया में सच कहने के लिए तो सभी कहते हैं, सच सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तुम सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हो ना? आओ आज से मेरे साथ काम करो। ठीक। मिलाओ हाथ, चलो मेरे साथ। आओ विजय, आज से तुम्हारी जगह यहां है। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे जैसा आदमी ढूंढ रहा था। आओ। अब इस मैखाने के तुम भी साकी हो। ये रही तुम्हारी सुराही और ये रहा पैमाना। रिंदों के तादाद भी करोड़ों हैं, जितना चाहूं पिलाता चला जाऊं। बैंक के खाते में मैनेजर का हाथ। रिपोर्टर विजय की एक और कामयाबी। रिपोर्टर विजय की एक और कामयाबी।
सब होता रहता है जी। ये लीजिए। ओ, तो उन बदमाशों को तुमने गिरफ्तार करवा ही दिया? आवास विजय शामास। विजय बाबू, विजय बाबू कहाँ? विजय, अरे समझो केशव, जल्दी सहारा दो। सहारा तो सदा के लिए छिन गया बाबूजी। मैं अंधा हूँ, आंखों का अंधा, किस्मत का अंधा। मैंने सुना है आप गरीबों के हमदर्द हैं, इसलिए आपके पास फरियाद लेकर आया हूं। कहिए। इस दवा ने मेरे बच्चे की जान ले ली है बाबूजी, जान ले ली। पेन किलिंग टैबलेट्स लालचंद चंपाला ने कहा, लेकिन बाबा इस दवा से कोई मर नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब ने बतलाया है बाबूजी, इस दवा में मिलावट है। ये पर्चा लिख कर दिया है। मिलावट? हाँ बाबूजी, मैं हर जगह फरियाद करने गया लेकिन मेरी फरियाद किसी के कानों तक नहीं पहुंची। 10 दिन पहले की बात है बाबू, 5 बजे शाम को दवा दी, उधर दूसरों के घर में रोशनी चली, इधर मेरा जलता हुआ चिराग सदा के लिए बुझ गया बाबूजी, सदा के लिए बुझ गया। सब्र करो बाबा, बाबा मैं जिंदगी तो वापस नहीं दिला सकता लेकिन मुजरिमों को सजा जरूर दिलवा सकता हूं। चाचा जी कहाँ? विजय बाबू आप? चाचा जी कहाँ? साहब ऊपर। अरे विजय, अरे आओ आओ, तुमने तो पब्लिक पे तहलका मचा दिया। मुझे खुशी कि तुम अपने मकसद में एक हद तक कामयाब हो गए, लेकिन विजय तुम जो कुछ लिख रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो कुछ मैं कहने हैं शायद उसे सुनकर आप भी पसंद नहीं करेंगे। कहो क्या बात है? इसे देखिए, पेन किलिंग टैबलेट, क्या तुम्हारी कंपनी की दवा है? क्या बात है? एक मरीज को ये टैबलेट्स दिए गए थे, उसके बाद उसे क्या हुआ सुन सकेंगे आप? हमेशा हमेशा के लिए उसका दर्द दूर हो गया, वो मर गया। विजय तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये नामुमकिन, तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। पेन किलिंग टैबलेट से आदमी कैसे मर सकता है? डॉक्टरों ने बताया इस दवा में मिलावट है, और ये नकली दवा जो आपके कारखाने में बनाई जाती है, इसने गरीब अंधे की आंखों की रोशनी छीन ली। मरने वाला 10 बरस का मासूम बच्चा था। तो इसका मतलब है लालचंद जानबूझकर लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? उन्हें लोगों की जिंदगी से नहीं, रुपए से मतलब है। और चाचा जी, लालचंद के साथ आप पर भी इल्जाम आएगा। इस नकली दवाई से मरने वालों की मौत के आप सब जिम्मेदार हैं। लेकिन विजय, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे यकीन है चाचा जी, लेकिन ये नकली दवाइयां जो आपके कारखाने में बनाई जा रही हैं, लोगों की जिंदगी के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा कीजिए। मैं ये केस पब्लिक के सामने ला रहा हूं, आपसे ये कहने आया था। विजय, हेलो। अच्छा चंपालाल जी, हुकम कीजिए। अच्छा जी, मैं हाजिर होता हूं। जी हाँ, बस आ ही रहा हूं, अभी हाजिर हुआ। अभी तो मैंने मारा है उसके लड़के को। फिर उसकी मौत का कौन जिम्मेदार है? भाई साहब, मरना जीना किस्मत की बात है, बेचारे की मौत आई थी, मर गया। गलत, वो अपनी मौत से नहीं, तुम्हारी इस नकली दवा से मरा। चलिए ऐसा ही सही, फिर भी बिगड़ने की क्या जरूरत है? जिसकी मौत आती है वो असली दवा से भी मर जाता है, कुछ दे दिलाकर मामला खत्म कर देंगे। अगर जिंदगी की कोई कीमत हो सकती है तो ले जाकर दे उसके अंधे बाप को। अजी, मैंने आंखों वालों को कभी कोई कीमत नहीं दी, अंधों को क्या दूंगा? बेहतर है इस मामले को यहीं खत्म कर दे। कैसे खत्म कर? चांदी के चंद टुकड़ों के लिए तुम इंसान की जिंदगी से खेलना चाहते हो? किसकी इजाजत से तुम नकली दवा बनाकर बेचते थे?
जवाब दो मुझे। चंपालाल जी, मैं ऊंची आवाज सुनने का आदमी ना किसी से ऊंचा बोलता हूँ और ना किसी से ऊंचा सुन सकता हूँ। बाकी आप इत्मीनान रखिए, वो अंधा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो गरीब है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लालचंद जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब भी इस दुनिया में गरीबों के हमदर्द मौजूद हैं। याद रखो, विजय तुम्हें अदालत के कटहरे में खड़ा करके दम लेगा। सेठ जी ये मत भूलिए, अदालत में मेरे साथ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा और आपकी बेटी गीता को भी। क्या भगते हो? ठीक भगता हूँ, मेरी इज्जत के साथ आपकी इज्जत भी मट्टी में मिल जाएगी। आप भी तो मेरे पार्टनर हैं। लेकिन मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था मैं रुपया लगा सकता हूँ, काम में हाथ नहीं बटा सकता। वो सब जबानी बातें थी। और कानून जबानी बातों को नहीं लिखी हुई बातों को मानता है। एग्रीमेंट को कहाँ छिपाओगी? खामोश। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने जलील और कमीने हो, नहीं तो तुम्हें मैं यहाँ कभी कदम न रखने देता। तुम डरा कर मेरी जबान बंद करना चाहते, लेकिन मुझ में अभी इंसानियत जिंदा है। मैं किसी मजलूम के खून पर अपनी इज्जत की बुनियाद नहीं रखना चाहता। चाहे तुम्हारे साथ मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरी बेटी तबाह हो जाए, लेकिन तुम्हें सजा दिलाकर छोड़ूंगा। चंपालाल, तुम्हारा ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा। ये मामला अदालत तक नहीं पहुंचेगा। मैं मामला पहुंचाने वाले को ही खत्म कर दूंगा। विजय, मैं तुमसे कुछ मांगने आई। कहो। पहले वादा करो। किस चीज का? तुम नौ पेन टेबलेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखोगे। गीता, तुम मेरी जिंदगी हो, ये मेरा फर्ज है। दोनों को टकराने की कोशिश मत करो। मेरा नहीं तो कम से कम डैडी का ख्याल करो, वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं मजबूर हूँ। तुम तो जानते हो कि उन्होंने लालचंद के काम में कभी दखल नहीं दिया। अगर तुम कुछ लिखोगे तो डैडी पर भी इल्जाम आएगा और वो बिल्कुल बेकसूर है। तो फिर मुजरिम कौन है? वो अंधा बाप जिसका सहारा छीन गया। तुम्हारी नजरों में एक इंसान की जिंदगी कीमत कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? आखिर तुम मेरे दुखों को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हें उन मजलूमों की फरियाद क्यों नहीं सुनाई देती जिन्हें हंसी के बदले आंसू दिए गए? उनके आंसू कौन पूछेगा? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे आंसू कौन पूछेगा? लालचंद तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है। उसने कहा है अगर तुमने अखबार में खबर कर दी। मौत जिंदगी में एक बार ही आती है गीता, जवानी होगी आ जाएगी। कहाँ जा रहे हो? लालचंद के पास बयान लेने। विजय, नहीं मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। ये जिंदगी कुछ भी नहीं गीता, सच्चाई के लिए मर जाना ही जिंदगी है। और ऐसी जिंदगी मुझे पसंद है। मुबारक है वो घड़ी जब तुम पैदा हुए थे। चाचा जी बाबू, लालचंद का फोन आया था, उसने सच्चाई की कीमत मांगी, वही देने जा रही। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चल। घबरा नहीं बेटी। का बयान लेने आया। ठीक है, लेकिन तुम्हारा बयान लेने से पहले लालचंद ने तुम्हारी जान ले ली तो मेरी मानो तो लौट जाओ। मैं मौत से नहीं डरता। अमर, तुम भी अपने बाप की तरह कतई उल्टी खोपड़ी के आदमी हो यार। खैर कोई बात नहीं, समझाना हमारा काम है ना समझना तुम्हारा। लालचंद कहाँ? अब भी वक्त है, भाग जाओ। मैं भागने के लिए नहीं, उन्हें हकड़ी पहनवाने के लिए आया हूँ। मैनेजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नकली दवाइयाँ कारखाने में नहीं, इस खुफिया जगह में बनाई जाती है। तो मैनेजर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, उसका हिसाब तो मैं बाद में चुकाऊंगा। ये सब मालूम हो जाने के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे।
एक विजय के मर जाने से सच्चाई नहीं मरेगी लालचंद, हजार विजय पैदा हो जाएंगे। हजारों को खत्म कर दूंगा, जो मेरे रास्ते में उसे मिटा दूंगा। कानून तुम्हें मिटा देगा, उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चंची बाबू शैतान, शैतान वो नहीं तू है। तूने मुझसे मेरा प्यार छीना, मेरी खुशियां छीनी और अब मेरे बाप पे हाथ उठा था। समाधि यहाँ बनेगी।
खोलो बेटा, मैंने किसी गरीब के मासूम बच्चे को मारा था, आज मुझे अपने पिए की सजा मिल गई। मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैंने निर्दोषों की जान ली, एडिटर के मारा, नकली दवा बनाई, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चर्ची बाबू, लालचंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चर्ची बाबू, विजय, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसे कभी मत छोड़ना। आज तुम अकेले हो, कल और भी लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे। विजय, जरा करीब आओ बेटा। विजय, चेटी जी बाबू, विजय, ये वो फूल हैं जो मुरझाने के बाद और ज्यादा महकते हैं, ये वो चिराग हैं जो खुद बुझकर हजारों दिए रोशन कर जाते हैं, ये ज्योत अमर है, इस ज्योत को जलती रखने वाले अमर हैं। बेटा, आज से वही होगा जो तुम चाहोगे, आज से मेरी सब जिम्मेदारियां तुम और गीता संभाल लो। ख्वाबों में आपको देखा था वार से, निकले हो और ही, निकले हो और ही लगते थे और से, निकले हो और ही लगते थे और से। सच कहने के आदि हैं हम तो सतवादी हैं, जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसी कही। Thank you.